गोरखपुर को 72 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, सीधे लिए चल रहे हैं आपको। कार्य कर रहे हैं, ऐसे ही गोरखपुर का विकास हो रहा है और सभी हमारे सांसद, महापौर, विधायक और इन सब के साथ साथ कालीबाड़ी के बाबा भी उनके साथ लगे रहते हैं। ये सब मिलकर के विकास के इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और आज गोरखपुर बदला हुआ दिखाई देता है। आप इधर से जाएंगे, मोहरीपुर की तरफ जाएंगे तो फर्टिलाइजर कारखाना की जगमगाहट आपको सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। रात्रि को एक बार जाके देखिए थोड़ा कितनी चहल पहल फिर से हो गई है। आज से 30 साल पहले सुना करते थे ना लोग कि फर्टिलाइजर की तरफ चहल पहल है, फिर से चहल पहल वहां पर दिखाई दे रही है। एक तरफ फर्टिलाइजर और दूसरे कोने पर एम्स, एक तरफ यह 4 लेन की पूरी कनेक्टिविटी नेपाल जाने के लिए, महाराजगंज जाने, मेडिकल कॉलेज होते हुए महाराजगंज जाने के लिए, कुशीनगर जाने के लिए, वाराणसी जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए और इसके साथ ही गोरखपुर में जू भी आ गया है, चिड़ियाघर भी आ गया है। आज चिड़ियाघर में भी आप जाएंगे हर समय हजारों लोगों की भीड़ रहती है। जहां चाहिए वहां आपको कुछ नयापन दिखेगा और इस सब में अच्छी बात क्या है जो अभी महापौर जी ने बताया कि गोरखपुर में महापौर, विधायकगण, सांसद जी, पार्षदगण ये सभी मिलकर के स्वच्छता के संकल्प के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। ये सभी करने में इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि देश के यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है, एक नई सोच दी है। आज हम यहां पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कर रहे हैं। आज से 9 वर्ष पहले इस प्रकार की गतिविधि एक सपना हुआ करती थी। लोग बोलते थे स्पोर्ट्स में पैसा खर्च करना है सब बेकार है, मानते थे, लेकिन आज ये आवश्यकता है। ये हमारे सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करता है, हमारे युवाओं के लिए जीवन के अनेक द्वार भी खोलता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। इससे पहले खिलाड़ियों के बारे में बहुत अच्छी सोच लोग नहीं रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से एक नई जागृति लाने का कार्य किया और इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए। आज प्रदेश के हर जनपद में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक खेल के मैदान की स्थापना हो रही है। हर पार्क और हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण भी हो रहा है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। ओलंपिक में खिलाड़ियों को अगर वह गोल्ड मेडल जीतता है तो प्रदेश सरकार उस टीम को पुरस्कृत करती है। कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करता है, न केवल उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित करती है बल्कि प्रदेश सरकार की नौकरियों में भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने 500 खिलाड़ियों को